सड़क खराब होने, स्ट्रीट लाइट नहीं जलने जैसे कामों पर अक्सर आपने लोगों को अपने क्षेत्र के पार्षद व अन्य नेताओं को फोन करते व काम नहीं होने पर उन्हें कोसते या बुराई करते देखा सुना होगा। पर चिरमिरी का एक शख्स ऐसा है जो सड़क खराब होने पर किसी से कोई शिकायत करने के बजाय अपनी स्कूटर खड़ा करके खुद उसकी मरम्मत में जुट जाता है। इस शख्स का नाम है विधान चौधरी, जो नगर निगम चिरमिरी का रहने वाला है और SECL कोल माइंस के चिरमिरी ओपन कास्ट में इलेक्ट्रिशियन के पद पर कार्यरत है। बताया जाता है कि पिछले 30 वर्षों से ये इसी प्रकार से सामाजिक कार्यों को खुद कर रहे हैं। जब भी विधान चौधरी को कहीं भी सड़क खराब दिखता है तो वह तुरंत अपने स्कूटर को रोककर खड़ा करते हैं और अपने स्कूटर से फावड़ा, गड्ढा, लोहे के औजार निकालकर मिट्टी खोदने लग जाते हैं और उस मिट्टी से सड़कों में जो गड्ढे होते हैं उसको पाटने में लग जाते हैं, उसे बराबर कर सड़कों की मरम्मत करते हैं। लोग इनके इस जज्बे को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कई लोग इनसे प्रेरणा भी लेना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति को तो मैं बारंबार प्रणाम करना चाहूँगा। विधान दा को मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ, लेकिन मिला भी हूँ, लेकिन ऐसे करते सोचता था कि कभी मिले, और आज उनसे बड़े बाजार में जा रहा था, अचानक मुलाकात हो गई। देख के बड़ा उनसे सीखने को मन करता है और जो वो करते हैं उनके एक गुण, मतलब बोलना चाहिए 1% को भी अपने जीवन में मैं उतार सकूं तो मैं बहुत धन्य कहलाऊंगा। ऐसे व्यक्ति जो निस्वार्थ भाव से, खुद उनका पेमेंट 1,00,000 रुपया होगा और किसी लाज शर्म के बिना वो निरंतर, ऐसा नहीं है कि वो करना उनका, उनसे जब मैंने बात किया तो वो बोले कि ये रोड किसी गवर्नमेंट का नहीं, ये हमारा रोड है और हमको हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, और मुझसे बहुत सीखने को मिला है उनसे। मैं आगे इनसे कुछ सीख कर कुछ कर सकूँ तो मैं अपने आप को धन्य महसूस करूँगा। देखिए, विधान चौधरी दादा के बारे में जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। एक आम आदमी, जो एक आम आदमी की तकलीफें होती हैं, जो सड़क पार करते हैं उसमें जो जर्क लगते हैं बड़े बुजुर्गों को, गर्भवती महिलाओं को और आम आदमी को भी जो तकलीफें होती हैं, उन तकलीफ़ों को विधान दादा समझते हैं। इसलिए उनको जहाँ कहीं भी नौकरी करते हैं, उनकी अच्छी सैलरी है, बावजूद उसके जहाँ पे कहीं पे उनको दिखता है कि थोड़ी सी भी सड़कें ख़राब हैं या गड्ढा है या उबड़ खाबड़ है, तो वो बिना किसी के चिंता किए अपना फावड़ा बेलचा लेकर खुद भरने में भर जाते हैं। और मैं बचपन से उन्हें देखते आ रहा हूँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, उनका जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। निश्चित रूप से ऐसे लोग समाज के लिए, इस देश के लिए बहुत ही अनमोल चीज़ हैं, और इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, इनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और साथ में शासन प्रशासन का भी ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को चिन्हांकित करके बड़े बड़े जब पदक दिए जाते हैं या पुरस्कार दिए जाते हैं तो ऐसे लोगों का नाम जरूर सामने रखना चाहिए। विधान चौधरी को बचपन से ही समाज सेवा का शौक है। वो कहते हैं कि जब इस सड़क पर हम चलते हैं तो इसके देखरेख की जिम्मेदारी प्रशासन के साथ साथ हमारी भी होती है, हम किसी का इंतजार क्यों करें। विधान जी का कहना है कि सड़क पर गड्ढा होने से एक बच्चे की सड़क दुर्घटना हो गई थी, जिसके बाद से मैंने सोचा कि किस तरह काम करें, तब से इस काम को करने लगा। विधान जी का कहना है कि किसी को बोलकर इस काम से नहीं जोड़ना चाहिए, आप अपना काम करते रहो, खुद ब खुद अपने से जुड़ जाएंगे। बताया जाता है कि विधान चौधरी अब तक अपने स्वयं के खर्चे से 90 से ज़्यादा गरीब लोगों की शादी करा चुके हैं। किसी को किसी प्रकार की जरूरत होती है उसे भी पूरा करते हैं। बरसात के समय उन्होंने 150 पौधों का वृक्षारोपण भी किया है, जिसकी देखरेख वे स्वयं करते हैं। इसमें मैं देखा हूँ, मैं एक दिन जा रहा था तो देखा एक बच्चा वो गड्ढा में, इसको गाड़ी चला के आ रहा था, वहाँ वो गिर गया वो गड्ढा में। और इसमें फिर मैं गाड़ी जिस स्पीड में आता है, कहीं कोई काम है तो उसकी स्पीड को डाउन करना पड़ता है ना, वहाँ देखता हूँ उसका समय का व्यय होता है। मैं सोचता मेरा थोड़ा सा प्रेरणा काम करने से, अगर किसी का है ना एक्सीडेंट से बचाव हो सकता है या समय की बचत हो सकता है, तो इसके लिए मैं करता हूँ। जैसे ड्यूटी जिस दिन ऑफ रहता है उस दिन मैं करता हूँ, प्लस जैसे मेरा छुट्टी होता है, छुट्टी के बाद 3 बजे के बाद मैं 5-6 बजे घर जाता हूँ, मैं 2-3 घंटा मैं ये काम करते रहता हूँ। स्कूटर में मेरा फड़ुआ है, गईता है, हथौड़ी है ना, ये सब फोड़ने काटने के लिए, जैसे बरसात के समय में पेड़ लगाता हूँ, तो वो सब पूरा व्यवस्था है मेरे पास। समाज में देखिए मैं करीब मेरा 91 हो गया है, 91 शादी में जोड़ा बनाया हूँ और मेरा 100 पूरा करने का इच्छा है। अपने खर्चे से करते हैं मैक्सिमम, मोटा मोटी अपने का कुछ हम दे देते हैं और जो भी उनके तरफ से जो भी होता है वो करते हैं, नहीं तो मैं कुछ कर देता हूँ, संपूर्ण नहीं कर पाता हूँ। और जैसे गांव घराने में मेरा जो गांव है वो हमें देखा हो, कोई बैल नहीं खरीद सकता तो हर मतलब खेतीबाड़ी नहीं जुताई कर सकता तो बैल खरीद दिया हूँ, किसी का घर नहीं है तो घर बनवा दिया हूँ, किसी को कुआ बना दिया हूँ, किसी को बोरिंग करवा दिया हूँ, ये सब काम मैं देख देख के जितना संभव है उतना मैं अपने से करते रहता हूँ, इससे मेरा आत्मसंतुष्टि मिलता है। समाज सेवा में आधा नहीं
आधा से थोड़ा कम, मतलब ना कुछ कुछ, मैंने हर महीने में मैं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अच्छे काम के लिए उसको इन्वेस्ट करता हूँ। लोगों को अगर आप बोलने जाएंगे, उपदेश देने जाएंगे, बोलने जाएंगे तो वो आपसे दूर चले जाएगा। इसीलिए आप करते रहिए, आपको देख के अगर लोगों का प्रेरणा जगेगा तो वो भी खुद करने लगेगा। प्रतिदिन लगभग 2000 से ज्यादा रुपए कमाने वाले इस शख्स के समाज सेवा का जज्बा भी कम कमाल का नहीं है। वे कहते हैं कि उनकी कमाई में से आधा से कुछ कम रुपए पर समाज सेवा में अपने तरीके से समाज को देने का काम करते हैं। अंबिकापुर कोतवाली थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने अपने पति, सास व देवर पर दहेज की मांग कर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही महिला के पति, सास व देवर ने मिलकर विटामिन की दवा बोलकर गर्भपात की दवा खिलाने की शिकायत भी महिला ने दर्ज कराई है। दरअसल अंबिकापुर की रहने वाली एक महिला की शादी बिलासपुर के रहने वाले अरशद खान के साथ 2016 में हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक था और बाद में पति, सास व देवर के द्वारा महिला को घर से 10 लाख रुपए मांगने का दबाव बनाया जा रहा था। महिला द्वारा रुपए मांगने से मना करने पर शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना शुरू कर दिया गया। इसी बीच जब महिला गर्भवती हुई तो तीनों ने मिलकर महिला के साथ मारपीट की और विटामिन की दवा बोलकर गर्भवती महिला को गर्भपात की गोली खिला दी। महिला के पेट में जब दर्द होने पर उसे अस्पताल ले जाया गया। इसी बीच महिला अपने मायके अंबिकापुर आ गई, जहां महिला के परिजनों ने अंबिकापुर को एक निजी अस्पताल में दिखाया, जहां जानकारी मिली कि महिला के पेट में बच्चे की मौत हो गई है, जिसकी शिकायत महिला ने अंबिकापुर के महिला थाना में दर्ज कराई है। महिला की शिकायत के आधार पर महिला थाना पुलिस ने पति, सास व देवर के विरुद्ध धारा 323, 498, 294, 313 IPS के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पालीथी क्षेत्र का मामला है और एक महिला है जिनकी शादी 2016 में हुई थी बिलासपुर में, और शादी होने के बाद में इनको परिवार के द्वारा, ससुराल के लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया जाने लगा, और जब ये प्रेग्नेंट हुई थी तब इनको विटामिन की गोली बोल करके कुछ टेबलेट्स खिला दिए गए थे, जिससे इनका अबॉर्शन भी हो गया था। तो हम लोगों ने संबंधित धाराओं में इसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया है। हम आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी करें। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बच्चों को पोलियो दवा पिलाकर अभियान की शुरुआत की। इस दौरान मंत्री सिंहदेव ने कहा कि देश पोलियो जैसी गंभीर बीमारी को साथ लिया है, लेकिन देश के एक भी बच्चे में पोलियो का बैक्टीरिया न फैले, इसलिए बच्चों को अभी भी पोलियो ड्रॉप पिलाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 35 लाख बच्चों को पोलियो दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं जो बच्चे इस महाअभियान के तहत पोलियो का ड्रॉप पीने में छूट जाएंगे, उन बच्चों को आने वाले 1 से 2 दिन के बाद मितानिन एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर पोलियो का ड्रॉप पिलाएंगी। आज तो पोलियो ड्रॉप्स का राष्ट्रीय कार्यक्रम है और बहुत ही पुण्य कार्य में सहभागी बनने का मौका मिला। अपने हाथ से कुछ बच्चों को 2 बूंद पोलियो ड्रॉप्स देने का मौका मिला। बहुत बड़ा कार्यक्रम, जिस रोग को देश ने साथ तो लिया है, लेकिन फिर भी किसी एक बच्चे को भी वो बैक्टीरिया ना जा सके, ये सुनिश्चित करने के लिए 35 लाख लगभग बच्चों को आज ये कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ में शामिल किया जाना है। अगर कोई छूट गए आज तो 2 दिन मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका ये घर घर जाके उन बच्चों को ड्रॉप्स देंगे, तो ये आज के कार्यक्रम की शुरुआत। पर कुछ देखने भी गए थे बाबा, क्या? सरगुजा के गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के खाते से लाखों रुपए गायब कर देने का मामला सामने आया है। पीड़ित व्यक्ति को इस बात का पता तब चला जब वह बैंक में खाते का स्टेटमेंट निकलवाने गया था, जहां खाता से 19 लाख रुपए निकाले जाने का पता चला। पीड़ित सेवानिवृत्त कर्मचारी ने अपने घर से काम करने वाली एक महिला, उसके पुत्र और 2 अन्य सहयोगियों को संदिग्ध मानकर उनके खिलाफ गांधीनगर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया है। इस पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 420-34 का अपराध दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश कर रही है। गांधीनगर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पे एक सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, थे वो, उन्होंने जो भी पैसा था वो बैंक में रखे हुए थे और अचानक जब वो बैंक का स्टेटमेंट निकलवाया अभी, तो पता चला कि उनमें से 19 लाख रुपए निकल गए हैं लगभग। तो उन्होंने इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। मोबाइल से उनको पता चला कि ये जो रकम है वो उनके घर में काम करने वाली नौकरानी, उनके बेटे और उनके 2 सहयोगियों के द्वारा निकाला गया है। अभी इन्होंने अपराध पंजीबद्ध कराने के लिए आए थे और हम लोगों ने इस पर 420-34 का अपराध पंजीबद्ध किया हुआ है और हम उनकी तलाश कर रहे हैं, हम आरोपियों को पकड़ लेंगे। कोतवाली थाना अंतर्गत एक बुलेट चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि बरेजपारा निवासी नासिर हुसैन आज अपनी बुलेट घर के सामने खड़ी कर घर में काम कर रहे थे, तभी घर के पास एक युवक आया और पहले रेकी कर बुलेट को चोरी कर वहां से फरार हो गया, जबकि गाड़ी की चाबी गाड़ी मालिक के पास ही रखी हुई थी।
चोर द्वारा मास्टर चाबी के इस्तेमाल से गाड़ी का लॉक खोलकर गाड़ी लेकर वहां से फरार हो गया। घटना की जानकारी लगने पर गाड़ी मालिक के द्वारा घर में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज चेक करने पर चोर की करतूत का पता चला। इस दौरान चोर की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद गाड़ी मालिक ने गाड़ी चोरी की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। वहीं गाड़ी मालिक की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने धारा 379 IPC के तहत मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। नासिर हुसैन ब्रेजपारा के हैं, इनकी बुलेट सोल्ड बुलेट है जो ये 31/1 रात की 10 बजे लगभग चोरी हुई है और उनके सीसीटीवी कैमरा फुटेज के आधार पर आसपास जो है तलाश किया जा रहा है। अभी तक तो जितने भी पेट्रोलिंग टीम है जो सभी जगह जो है पता कर रही है गाड़ियों की वो सब लगी हुई है।